हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द सेकेंड पार्ट ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज का टॉपिक है मेकिंग कंपाउंड, मतलब कंपाउंड कैसे बनाया जाता है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सोडियम कोलाइड है, तो सोडियम का सिंबल Na होता है, इसका वैलेंसी 1 होता है। कोलाइड है तो IED लगा हुआ है लास्ट में, तो ये नॉर्मल एलिमेंट है। कोलाइड का कोलिन होता है तो Cl, इसका वैलेंसी 1 होता है। तो वैलेंसी एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो NaCl हो गया। सेम उसी तरह से अल्मोनियम सल्फेट है, तो अल्मोनियम का Al होता है, इसका वैलेंसी 3 होता है। सल्फेट का SO4, इसका वैलेंसी 2 होता है। तो वैलेंसी को क्रॉस कर दिए तो यहाँ से आएगा Al2 SO4 होल थ्राइस। सेम उसी तरह आता है सोडियम सल्फाइट है, तो सोडियम का Na होगा, सल्फाइट है और सल्फेट, तो 8 में चेंज हुआ है, तो यहाँ से एक ऑक्सीजन घटा देंगे तो SO3 हो जाएगा, इसका वैलेंसी 2 रहेगा, वैलेंसी सेम रहेगा, तो हो जाएगा Na2SO3। नेक्स्ट एग्जांपल है सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम का Na होता है, इसका वैलेंसी 1 होता है। कार्बोनेट का CO3 होता है, इसका वैलेंसी 2 होता है, तो यहाँ से हो जाएगा Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हो जाएगा Na2CO3। अब है नेक्स्ट एग्जांपल सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम का Na होता है, इसका वैलेंसी 1 होता है। बाइकार्बोनेट का HCO3 होता है, इसका वैलेंसी 1 होता है, क्योंकि कार्बोनेट का 2 होता था, बाई लगा हुआ इसलिए वैलेंसी एक कम जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ से हो जाएगा NaHCO3। अब है कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम का CO होता है, वैलेंसी 2 होता है। कार्बोनेट का CO3 वैलेंसी 2 होता है, तो 2 है तो E2 से E2 कट गया, तो 1 बच गया, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को कहा जाता है। और CaCO3 को लाइम स्टोन भी कहा जाता है, लाइम स्टोन का फॉर्मूला CaCO3 होता है। अब है कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम का CO होता है, वैलेंसी 2। ऑक्साइड ID लगा हुआ, नॉर्मल एलिमेंट है, ऑक्सीजन से बना हुआ, तो O है, इसका वैलेंसी 2 है, तो मल्टीप्लाई कर दिए इसका वैलेंसी, तो 2 से 2 कट गया, तो बच गया CaO। इसको क्विक लाइम भी कहा जाता है, CaO को क्विक लाइम कहा जाता है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम का CaO होता है, इसका वैलेंसी 2 होता है। हाइड्रोक्साइड का OH होता है, इसका वैलेंसी 1 होता है, तो यहाँ से आ जाते मल्टीप्लाई किए तो आ गया CaOH होल 2 हो गया। तो CaOH होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, और इसका नाम है लाइम वाटर, फेरस सल्फेट। तो आयरन का 2 वैलेंसी होता है, 2 और 3। फेरस है तो 1 2 हो जाएगा, और फेरिक रहता तो 3 वैलेंसी होता, तो फेरस है तो सिंबल Fe रहेगा, वैलेंसी 2 रहेगा। सल्फेट SO4 वैलेंसी 2, 2 से 2 कट गया, तो हो गया Fe SO4। अब है मैग्नीशियम सल्फेट, तो मैग्नीशियम का Mg होता है, वैलेंसी 2। सल्फेट का SO4 होता है, वैलेंसी 2, तो 2 से 2 कट गया, तो क्या बन गया Mg SO4। क्वेश्चन दे, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फ्लोइंग रिएक्शन। तो बैलेंस आज नहीं करेंगे, आज सिर्फ केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम तो CA होता है, कैल्शियम का वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड का OH होता है, वैलेंसी 1, तो यहाँ से क्या हो गया CaOH2 प्लस। अब क्या आ गया कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन का कार्बन और डाइऑक्साइड CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो CO2, तो बनाता क्या है, ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम CA वैलेंसी 2, कार्बोनेट CO3 वैलेंसी 2, तो वैलेंसी 2 से 2 कट गया, तो क्या हो गया CaCO3 बनाता है। प्लस वाटर, तो वाटर का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है H2O, तो क्या पहला का आंसर क्या होगा CaOH होल 2 प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो बनाता है CaCO3 प्लस H2O। सेकेंड एग्जाम्पल है जिंक, तो जिंक का ZN होगा प्लस सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर का Ag होता है, इसका वैलेंसी 1 होता है, नाइट्रेट का NO3 वैलेंसी 1 होता है, तो क्या हो जाएगा Ag NO3 Ag
NO3 बनाता सिल जिंक नाइट्रेट तो ZN वैलेंसी 2 नाइट्रेट NO3 वैलेंसी 1। तो यहाँ से हो जाएगा क्रॉस वैलेंसी किए तो ZN NO3 होल 2 प्लस सिल्वर तो Ag हो जाएगा लास्ट में। तो जिंक नाइट्रेट जिंक थर्ड एग्जांपल है सी अल्मोनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। तो अल्मोनियम का AL होता है वैलेंसी 3 होता है तभी वैलेंसी का अल्मोनियम का जरूरी नहीं है। प्लस कॉपर 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 है तो Cu लेते हैं और इसका वैलेंसी 1 या 2 आप दोनों में से कोई ले सकते हैं। यहाँ पर पूरा नहीं दिया हुआ है कि कॉपरस है कि कॉपरिक है तो 1 ले लेते हैं। और क्लोराइड तो Cl इसका भी वैलेंसी 1 हो गया तो CuCl बनाता है अल्मोनियम क्लोराइड। तो अल्मोनियम का Al होता है वैलेंसी 3 क्लोराइड का Cl होता है वैलेंसी 1 होता है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई किए तो AlCl3 हो गया प्लस कॉपर का Cu हो जाएगा। यहाँ पर कॉपर अगर हम फर्स्ट ले रहे हैं तो अगर हम सेकेंड लेते हैं अगर कॉपर सेकेंड लेते हैं Al प्लस कॉपर सेकेंड लिए तो Cu सेकेंड हो गया तो इसका वैलेंसी 2 हो गया Cl1 हो गया। यहाँ से क्रॉस कर दिए तो CuCl2 हो जाएगा। अब अल्मोनियम क्लोराइड है तो AlCl3 रहेगा कॉपर 2 रहेगा सेकेंड कॉपर रहेगा और यहाँ पर भी सेकेंड कॉपर डिनोट कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। अब लास्ट एग्जांपल है आज का लास्ट एग्जांपल है डी ब्रेलियम क्लोराइड। तो ब्रेलियम का Ba होता है वैलेंसी 2 होता है क्लोराइड का Cl होता है वैलेंसी 1 होता है। यहाँ से हो गया BaCl2 प्लस पोटेशियम पोटेशियम का K होता है वैलेंसी 1 सल्फेट SO4 वैलेंसी 2 तो यहाँ से क्रॉस हो गया तो प्लस K2SO4 इजकल टू यहाँ से ब्रेलियम है तो ब्रेलियम का 2 सिंबल वैलेंसी होता है और SO4 का 2 होता है तो 2 से 2 कट गया तो बनाएगा BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम का K होता है वैलेंसी 1 क्लोराइड का Cl होता है वैलेंसी 1 तो KCl बनाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो रोशन कुमार। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे।